हेलो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंफ्रा मटेरियल आ चुका है अपने एक नए वीडियो के अपडेट के साथ। दोस्तों, आज हम हैं प्रयागराज में, जहां पे झूसी से दारागंज के बीच में एक ब्रिज का निर्माण हो रहा है। वो कैसा ब्रिज है, किस पर्पज़ से हो रहा है, क्या पर्पज़ को फुलफिल करने वाला है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। क्योंकि इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहती हैं। अगर आप इंफ्रा मटेरियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी हम लोग एकदम ब्रिज के नज़दीक में आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग को ब्रिज देखने को मिल रहा होगा, ये ब्रिज जो है हमारा आर्च ब्रिज है। तो आर्च का जो शेप होता है, धनुष का जो शेप होता है, धनुष का ऊपर का जो पोर्शन होता है, उसको हम लोग आर्च बोलते हैं। ये ब्रिज हमारा आर्च शेप में है और ये झूसी से दारागंज के बीच में है। झूसी रेलवे स्टेशन के पास में ये ब्रिज है। पीछे की तरफ आप देखेंगे, जाएंगे तो प्रयागराज पहुँचेंगे। ये जो जोन है, थोड़ा हम लोग किनारे की तरफ चलते हैं, ये जो जोन है इधर की तरफ हमारा झूसी का रेलवे स्टेशन है। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे टोटल 5 लाइन है, जो कि अभी यहाँ पे लाइनों का पहले 2 से 3 लाइन हुआ करती थी, अभी टोटल 5 लाइनें हो गई हैं। तो पुराना जो ब्रिज था उसको डिसमेंटल करके नए ब्रिज को बनाया गया है। इसका मेन पर्पज़ ये है कि नीचे से रेल लाइन जा रहा है और ब्रिज, ये जो पैनल है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रा है, इसके ऊपर प्रीकास्ट लगे हुए हैं। हम लोग इसका नज़दीक में भी जाके आपको समझाएं तो अभी ये प्रीकास्ट है, इसको रख के इसके ऊपर डेक स्लैब की ढलाई हो जाएगी। तो नीचे से रेल जा रहा है और ऊपर से रोड जाएगा, तो ये रोड पर्पज़ के लिए बनाया गया है। आर्च ब्रिज जो होता है अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है, फाइनेंशियली भी और स्ट्रेंथ के वाइज भी ये इकोनॉमिकल ज़्यादा होता है, इसकी लाइफ जो है ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो अंग्रेज़ के ज़मानों में जो भी ब्रिज बनाए गए हैं, चाहे वो नहर पर हों, चाहे छोटे से पुल सेक्शन पर हों, कहीं भी हों, तो उन्होंने आर्च का शेप दिया है। तो आर्च का शेप देने का मेन पर्पज़ होता है बेंडिंग को, मूवमेंट को रजिस्ट करना, जिससे ब्रिज की लाइफ जो है बढ़ जाए। कम पैसे में ज़्यादा आउटपुट निकालना ही आर्क ब्रिज का पर्पज़ होता है। तो आर्क ब्रिज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बन चुका है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे झूसी रेलवे स्टेशन के बगल में ही है, जस्ट अब ऑन हाईवे के साइड में है। हाईवे को डाइवर्ट किया गया, जस्ट यहीं पर ब्रिज को बनाया गया है। तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा हाईवे की तरफ, ये जिधर की तरफ हाइड्रा है इधर हाईवे है, पीछे की तरफ रेल जोन है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, नीचे की तरफ ट्रैक है पूरा, जिसपे रेल लाइन का संचालन कंटिन्यू चलता रहा है। क्योंकि ऊपर में काम भी हो रहा है और नीचे रेल लाइन का संचालन पूरा कंटिन्यू चल रहा है, बंद नहीं है, जिसके लिए इसके ऊपर स्लैब रखे जाएंगे। तो चलते हैं हम लोग स्लैब के नज़दीक में। आप लोग देख पा रहे होंगे हाइड्रा ने लिफ्टिंग किया हुआ है स्लैब को, जिस स्लैब को ये जो स्टेट लगा हुआ है इसके बीच में रखा जाएगा। हाइड्रा के हुक में आप लोग देख पा रहे होंगे स्लैब आपको दिख रहा होगा। देखिए धीरे धीरे हम लोग जो है स्लैब के पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये स्लैब है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए पीछे ऑन हाईवे रोड पे एकदम चलती हुई रोड पे है, जो ये प्रयागराज से बनारस हाईवे जो है इसी रोड पे ये है। पीछे ये पुराना जो पुल हुआ करता था, यही जो पुराना था, इसको डिसमेंटल करके अब इसी रूट को डाइवर्ट किया जाएगा। इस ब्रिज के तरफ से ये रूट डाइवर्ट होने वाला है, जैसा कि आपको पता है। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे ये देखिए ये जो प्रीकास्ट स्लैब है, ये जो हमारा प्रीकास्ट स्लैब है, इसको जो ये इन दोनों गर्डर के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे रखा जाएगा। फिर इसके ऊपर रेनफोर्समेंट बांध के इसके ऊपर स्लैब की कास्टिंग कर दी जाएगी, जिससे क्या होगा कि रेल लाइन का संचालन होता रहेगा, वर्कर्स को काम करने में दिक्कत नहीं होगी। सेफ्टी पर्पज़ से भी इस प्रीकास्ट स्लैब को रख के इसके ऊपर स्लैब की ढलाई कर दी जाएगी। जैसे हम लोग शटरिंग लगाते हैं, तो ये प्रीकास्ट स्लैब कॉन्क्रीट का है, इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियोज आपको पसंद आई होंगी।